नमस्कार, मैं रेणुका सहाने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आग के लिए जैसे पानी का डर बना रहना जरूरी है, ठीक उसी तरह एक अपराधी के भीतर कानून का, पुलिस प्रशासन का खौफ बना रहना अनिवार्य है। जिस तरह खुलेआम एक के बाद एक जुर्म को अंजाम दे रहा था, उससे पूरे शहर में एक दहशत का माहौल बन गया था। ये केस अपने आप में एक अनोखा केस था। गब्बर ये महज एक नाम नहीं रह गया था, बल्कि पूरे राज्य के लिए खौफ का, आतंक का प्रतीक बन गया था। इस केस में आपको कई ऐसी वारदातें देखने मिलेंगी जो जितनी भयानक है उतनी ही विचित्र और अकल्पनीय भी। इस वारदात के बाद पुलिस पर मीडिया और जनता का दबाव बढ़ा। पुलिस ने गब्बर को पकड़ने के लिए एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया, लेकिन 20 सालों से पूरे राज्य को त्राही माम करने वाले गब्बर सिंह को पकड़ने का ये मिशन कई चुनौतियों से भरा था। अभी सिर्फ 2 किलोमीटर हुआ है, 4 किलोमीटर और, कम ऑन। पापा प्लीज, अब नहीं। पापा नहीं, ट्रेनिंग के टाइम सिर्फ गुरुजी, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ गुरुजी? मेरे पैर की नस खिंच गई है शायद। क्या, रुको रुको रुको, रुक, यहाँ यहाँ जी, ये रुक, पैसे इधर रख। हाँ, आराम से, हाँ चल आ जा। हाँ, आराम से, आराम से, ठीक है। ये ले बेटा, मट्ठा पी ले। ये ले बेटा। हेलो, हाँ भैया, हाँ नहीं नहीं मैं बस आ रही हूँ गुरुजी, मेरा रिक्शा आ गया, मैं चलती हूँ। ध्यान से, ध्यान से, पैर पे ज्यादा वजन मत डालना। अभी तेल की मालिश की है, पट्टी की है, कल अखाड़े आएगी ना तो एक बार तेल की मालिश और कर दूंगा, दर्द चुटकियों में चला जाएगा। ठीक है, चल मैं छोड़ देता हूँ। रिद्धि, स्वाति दीदी को नीचे तक छोड़ो। हाँ रिद्धि, बेटा छोड़ दो, और हाँ ऑटो तक छोड़ना। हाँ, आज इतनी तेज भागी के। मट्ठा अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मुंह फुला रखा है। आज फिर तुम्हारी सहेलियों ने मेरे बारे में कोई बुरी बात की होगी ना, कि तेरा पति पहलवान पति चरित्रहीन है। आप तो हर चीज मजाक में लेते हैं। मैं जानती हूँ कि आपका दिल साफ है, लेकिन मोहल्ले वाले तो नहीं जानते ना। आप लड़कियों को कुश्ती सिखाना छोड़ क्यों नहीं देते? साक्षी, एक बात याद रखना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मुझ पे भरोसा है ना, तो बस दिमाग शांत रखो और जल्दी से नाश्ता बनाओ भाई, भूख लगी है, हाँ मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है, गब्बर के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ 1999 में, और पिछले 20 सालों में उसके खिलाफ 200 केस दर्ज हुआ। शुरुआत छोटी मोटी चोरी चकारी से हुई, लेकिन आजकल वो लोगों को खुलेआम लूट रहा है। लेकिन सर 2014 से, पर पिछले 5 साल में 35 मर्डर केस दर्ज हुए, इनमें ज्यादातर पुलिस वाले हैं। सर लोग उसे गब्बर क्यों बुलाते हैं? जब पकड़ लेंगे खुद ही पूछ लेना। गब्बर का गिरोह दिल्ली से लेकर जोधपुर जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे और उसके आसपास जो बाईपास है वहां पर ज्यादा एक्टिव है। हाल फिलहाल में उसने ज्यादातर वारदातों को यही अंजाम दिया, इसलिए हम शुरुआत यहीं से करेंगे। गब्बर को पकड़ने के लिए मैंने दो अंडरकवर ऑफिसर्स को बुलाया। सर गब्बर को आज तक किसी ने नहीं देखा, अगर ये पता लग जाए कि वो दिखता कैसा है तो उसको पकड़ने में आसानी होगी। वो बच्चा अभी हमारी हेल्प कर सकता है सर? अभी फिलहाल सदमे में, फिर भी कोशिश करते हैं, बुलाओ सर। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थकना मना है, चलो। बहुत बढ़िया, चल। जसवंत चेयर लेकर आ, बस बस बस, झुक मत झुक मत, दर्द होगा, चेहरा नहीं, बैठ 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 बैठ, आराम से आराम से आराम से आराम से, रख बैठ, दर्द है
बहुत ज्यादा? अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तेल लगा दूंगा ना, मालिश कर दूंगा तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा, और जब दर्द खत्म हो जाएगा तो मुझे रेस में हराएगी ना। आराम से आराम से आराम से आराम से पैर नीचे रख। चलो खड़ी हो, चलो भाई सब अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। चलो चलो आराम से आराम से आराम से, चलो 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 चलो। हाँ नाश्ता आ गया भाई, चलो बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो। दीदी के एग्जाम खत्म हो गए, कुछ सोचा है? पैर बचा के खाना खा लीजिए ना। खा रहा हूँ ना। पुलिस अरेस्ट मुझे किस लिए? आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम है चेतन कुमार। मुझ पर? लेकिन ये इल्जाम मुझ पर किसने लगाया और मैंने किसका मर्डर किया? वो सब बताते हैं आपको, पहले चलिए हमारे साथ, लेके चलो। शांत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग बेफिक्र रहो। मतलब गुरुजी? बस जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। देखिए आपके कहने पर मैं आ तो गया हूँ, लेकिन आप ज्यादा दिनों तक मुझे यहाँ रख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खबर अब तक पूरे इलाके में आपकी तरह फैल चुकी होगी, और जिन लड़के लड़कियों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ ना, वो मुझे अपना गुरु मानते हैं, और वो अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस को धमकी दे रहे हो? नहीं, सलाह। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी पेशा बदल दिया, कुश्ती छोड़ के ज्योतिष बन गए। जब मैं कुश्ती लड़ता था ना तो सामने वाले पहलवान को देखकर भांप लिया करता था कि कितनी देर टिके, मेरे आगे लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। पर ये तुम्हारा अखाड़ा नहीं है, और एक बात, केस सबूतों पर टिकता है, और हमारे पास तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत है। अब भी वक्त है, जो भी सच है बता दो, वरना बहुत लंबा जाओगे चेतन कुमार। जरा सोचिए अंकल, अगर आप रात को सो रहे हो और आपके बिल्डिंग का वॉचमैन जोर जोर से चिल्ला, तब आपको पता चलेगा। वॉचमैन? हाँ, वो बहुत बुरा है अंकल, रात को जोर जोर से चिल्लाता, सोने नहीं देता रात को। अभी बेटे वॉचमैन? लेकिन बेटे ये तो तुमसे कब्र के बारे में पूछ रहे। टैटू, ठुकरी का टैटू, कौन से हाथ पे था? राइट हैंड पे? हाँ, नहीं लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अभी 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 इट्स ओके रिलैक्स, अभी भूल जाओ ठुकरी को। इधर देखो, देखो आपके पापा और दीदी तो उनका चेहरा नहीं देख पाए थे, और आपने तो उनका चेहरा देखा होगा, वो आपको साथ में लेकर गए, किसी का चेहरा याद? अब प्लीज सर, ये जितना जानता था बता चुका है, इसे और टॉर्चर मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। ये क्या बोल रहे सर आप? गुरुजी ने खून किया है, मैं नहीं मानता सर। हम मान ही नहीं सकते। सर, गुरुजी को किसी ने फंसाया है, वरना गुरुजी तो काफी भले इंसान है। तुम यहाँ पे कब से ट्रेनिंग ले रही हो? सर 3 साल से। मैं यहाँ कुश्ती सीखना चाहती थी, लेकिन मेरे बाबूजी को ये सब पसंद नहीं था। गुरुजी ने काफी समझाया बाबूजी को, लेकिन वो नहीं माने। तब तो इस बात को लेकर तुम्हारे पिताजी को चेतन पे बहुत गुस्सा भी आया होगा। मोहल्ले में सब गुरुजी से नाराज है, लेकिन गुरुजी को इन सब की परवाह नहीं है। पिछले 3 साल से गुरुजी मेरा रहना खाना पीना ट्रेनिंग सबका खर्चा उठा रहे हैं। लास्ट ईयर जब मैंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था तो मुझे 5 लाख का इनाम मिला था। मैंने जब वो गुरुजी को देना चाहा तो ये रकम तेरी है, तू रख। खिलाड़ी की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है, आज तू जीती है तो ये फूल मालाओं के हार, और अगर कल तुझसे ही कुछ गलती हो गई तो यही लोग जूतों के हार पहनाएंगे। सर गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उन्हें सच में फंसा रहा है। धीरज, हैप्पी सेकेंड एनिवर्सरी माई लव।
हम तो कह रहे थे कि तुम कल आने वाले हो। कल वो एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और क्या है मेरा सरप्राइज? तुम्हारा सरप्राइज के फिलहाल ऊपर है, तुम जरा चलकर देखो, मैं ये देख लेता हूँ। कौन है? हाँ जी जी, वो मैडम अपना फोन कार में भूल गई थी। थैंक यू सो मच भाई, बड़े ईमानदार हो यार तुम तो। एक काम करो, ये कुछ पैसे रख लो। नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे रख लो। आप नहीं, मैडम आपका फोन दे दिया मैंने। थैंक यू सो मच। ये रखो तुम्हारा फोन। कहाँ है बुखार? ये सब कसरत से बचने के बहाने हैं। चल चल फटाफट उठ, सूरज निकलने से पहले रनिंग के लिए निकलना है। नहीं पापा, कसम से बहुत कमजोरी लग रही है। देखो तुम बहाने मत। मेरी तो कोई बात मानते नहीं आप, कम से कम बेटी की तो मान लीजिए, ये क्यों झूठ बोलेगी। ठीक है भाई, आज कर लो आराम। अरे भाई दे तो दी परमिशन, अब आपने क्यों मुंह फुला रखा है? बनिए मत, मुझे पता चल चुका है आपने क्या किया है। क्या? आपने बिना मुझसे पूछे अपनी FD तोड़वा ली। अरे वो बच्चों के लिए रेसलिंग मैच और वो डंबल्स लेने थे इसलिए बस। ये रेसलिंग अखाड़ा बस यही चलता रहता है आपके दिमाग में। घर का खर्चा कैसे चलेगा, रिद्धि की शादी कैसी होगी, सबके बारे में नहीं सोचते आप। अरे वो FD हमने रिद्धि की शादी के लिए करवाई थी। हाँ जब अपनी रिद्धि नेशनल जीतेगी ना तब तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, देखना। 1000 नाकामयाब खिलाड़ी होते हैं उसके बाद एक कामयाब होता है, क्या सपने देख रहे हैं आप? सपने देखने वाले ही सपना पूरा करते हैं साक्षी। और मेरा भी सपना है कि मेरे खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, जो मैं कभी नहीं जीत पाया। लेकिन देखना एक दिन मेरा यह सपना जरूर पूरा होगा। रिद्धि कभी तक दौड़ने नहीं गई? वो माँ पापा नहीं थे तो मैंने सोचा। यही सीखा है तूने अपने पिता से, अच्छे खिलाड़ी बनना है ना तुझे? हाँ माँ बनना है। मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो उन्हें ऐसा लगे कि उनकी गैर हाजिरी में तू एक पल के लिए भी उनके सपने को नहीं भूली है, समझ रही है ना तू? तो चल तैयार हो जा, जूते पहन, दौड़ लगाने जा। चल शाबाश। अरे चलानी नहीं आती क्या? जैन सर। जैन सर, मरने वाले का नाम धीरज जिंदल है, कार उस तरफ लेकर भाग गए, और सर वो उसकी वाइफ है केत की। इनकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इनके साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती हुई है। ज्वेलरी भी इंटैक्ट है। लेट्स टॉक टू हर। सर, हमने किसी का भी चेहरा नहीं देखा क्योंकि उन सब ने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। अच्छा, लुटेरे जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी का रंग या नंबर कुछ भी नोट कर पाई आप? नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और उन लोगों ने मेरे पति को सर, एक आई विटनेस मिला है, सागर नाम है उसका। कॉल है सर। सर सब कुछ इतना फटाफट हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। गाड़ी का नंबर नोट कर पाए? सर मैं जल्दबाजी में गाड़ी के नंबर पर तो ध्यान नहीं गया मेरा। कितने लोग थे? सर लगभग 3-4 लोग थे। किसी का चेहरा देख पाया? सॉरी सर, सब ने अपने चेहरे ढके हुए थे। अपना फोन नंबर और एड्रेस इन्हें दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो आपको कॉल करेंगे। सर ये काम गब्बर गिरोह का लगता है क्योंकि इसी रास्ते पर उसने पिछले 2 हफ्तों में कई लोगों को लूटा है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये काम गब्बर गैंग का है तो उन्होंने सिर्फ कार को क्यों लूटा, ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगा, और गब्बर ने आज तक किसी सिविलियन को नहीं मारा, यहाँ एक सिविलियन की मौत हुई। एग्जैक्टली सर, जिन 35 लोगों को उसने मारा है उसमें से 15 तो पुलिस वाले थे और बाकी 20 लोग गैंग वॉर में मारे गए थे। लेकिन सर अगर ये गब्बर गैंग का काम नहीं है तो फिर क्या कोई नया गिरोह है?
फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कोई नया गिरोह है या गब्बर का ही गैंग है, लेकिन इतना ज़रूर है जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया तरीका गब्बर का नहीं। सॉरी सर, आपके लिए एक सलाह है, आप भी वर्जिश किया कीजिए, शरीर चुस्त रहेगा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। 12 जून को कहाँ थे तुम? 12 जून आप कहाँ थे? सवाल पहले मैंने किया चेतन कुमार, तो जवाब भी आप ही दे दीजिए। मैं तो शायद थाने में ही था, लेकिन पक्का आप थाने में थे? तो मेरा जवाब भी कुछ ऐसा सही है, मैं भी अखाड़े में ही था शायद। लेकिन तुम्हारा फोन बलराम के एरिया में एक्टिव था, वो एरिया जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था। ये कॉल डिटेल्स है तुम्हारी, इससे साबित होता है कि जब बलराम का मर्डर हुआ था तुम्हारा फोन वहीं पे एक्टिव था और तुम भी वहीं थे। साहब, मैं ठहरा पहलवान आदमी मोटी बुद्धि का, मुझे ये सब बातें कहाँ समझ में आती हैं। अब वैसे आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? जब आपने मुझे अरेस्ट किया तो आप गांधीनगर गए थे क्या? नहीं, क्यों? आप नहीं गए थे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन निकलवाइए, पक्का गांधीनगर निकलेंगे। मीट एसआई अजीत कुमार, एसआई गायत्री सैनी। इस ऑपरेशन के लिए मैंने खास तौर पर इन्हीं दोनों को जोधपुर से बुलाया। मैं चाहता था कि हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग शामिल हों जिनके बारे में यहाँ के लोगों को पता ना हो कि पुलिस वाले हैं। इन दोनों को अंडरकवर कॉप का अच्छा खासा तजर्बा है। वो जोधपुर का वाड़ी गैंग इन्हीं दोनों ने पकड़ा था। तुम दोनों ने केस को अच्छी तरह से पढ़ लिया? यस सर। यस सर। अजीत सर, पहले आप। सर मत बोलो, इस वक्त हम पति पत्नी की एक्टिंग कर रहे हैं, भूल गई क्या? भूल गई सर, सॉरी। अजीत सर कहने की आदत है ना। एक मिनट, हेलो, चलो मैं करता हूँ बाद में बात। आमराम साहब। दिन भर में ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैंने मालूम किया, चेतन की एकेडमी 2 मोबाइल टावर्स के बीच में है। अगर पहले टावर के सिग्नल्स पकड़ता है फोन तो लोकेशन प्रहलादपुर बताता है, और अगर दूसरे टावर के सिग्नल पकड़ता है तो फोन की लोकेशन गांधीनगर बताता है। इसमें दोनों बातें हो सकती हैं। चेतन को ये बात पता थी, शायद इसीलिए उसने इस बात का फायदा उठाया, या फिर उस दिन चेतन बलराम के घर गया ही नहीं था। सर मैंने मोहल्ले के कई लोगों से कंफर्म किया, उनका कहना है कि जिस रात बलराम का मर्डर हुआ उन्होंने उस दिन बलराम को चेतन की एकेडमी जाते हुए देखा था। तो गब्बर के आदमियों ने तुम दोनों को घेर लिया और तुम्हारी गाड़ी छीनकर भाग गए। तुम्हें कुछ अंदाजा है ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है? हुआ कैसे ये? मुझे इस इंसिडेंट की एक एक डिटेल चाहिए। सर वो फिर वो गाड़ी रेवाड़ी की तरफ लेकर निकल गई सर। लेकिन रेवाड़ी की तरफ जाने वाले जितने भी रास्तों पर टोल नाके हैं, किसी भी टोल नाके के सीसीटीवी में वो गाड़ी गुजरते हुए नजर नहीं आई। तुम लोगों ने किसी से लेफ्ट ली और उसके बाद यहाँ आ गए, और अब यहाँ आके पूरा किस्सा बयान कर रहे हो। वहाँ किसी से फ़ोन मांग कर बैकअप के लिए कॉल तो कर सकते थे, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है? उस वक्त हम ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे सर। थोड़ा अजीब है, गायत्री और अजीत एक साथ एक ही जगह पर मौजूद थे जब गब्बर के आदमियों ने इन दोनों से गाड़ी छीनी। इस छीना झपटी में सिर्फ गायत्री को चोट आई और अजीत को क्रॉच तक नहीं लगी। सर अजीत और गायत्री के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दोनों के बयान देख के ये लग ही नहीं रहा कि दोनों एक केस की बात कर रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट, एक ही वारदात के 2 अलग अलग वर्जन कैसे हो सकते हैं? जाहिर है दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा। सर आई थिंक हमें उन दोनों को टाइम देना चाहिए, कुछ टाइम बाद में फिर से उनका बयान लेंगे, देखते हैं किसकी कहानी कितनी बदलती है। इस केस में टाइम ही तो नहीं। सर हाँ सर, धीरज और केतकी के बारे में एक बात पता चली है। सर धीरज दोस्त था मेरा, लेकिन एक नंबर का लफंगा आदमी था। केतकी के पैसों से उसका घर चलता था, और जब वो बेचारी बाहर जाती थी तो वो किसी भी लड़की को बुला लेता था, कहता था कजन है। और ऑफिस में भी सर उसकी लड़कियां बहुत कंप्लेंट करती थी। नहीं सर, धीरज कभी कभी दूसरी औरतों की तरफ देख जरूर लेता था, बट आई डाउट कि वो ऐसा कुछ कर सकता है।
बिकॉज वो एक नंबर का डरपोक आदमी था सर। चेतन कुमार, तुम्हारी टॉवर वाली बात तो सही निकली, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि तुम निर्दोष हो। अगर तुम वाकई में खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो तो मर्डर वाले दिन शुरू से लेकर आखिर तक बताओ हुआ क्या था। जिस रात बलराम का मर्डर हुआ उस दिन सुबह वो मुझसे मिलने के लिए मेरी रेसलिंग अकेडमी आया था। जसवंत, मुझे गुरुजी से बात करनी है। तूने गुरुजी का पहले ही बहुत अपमान कर दिया है, तू जा यहाँ से अब। जसवंत शांत हो, यह अखाड़ा हमारा मंदिर है और यहाँ जो कोई भी आता है वो हमारा मेहमान है। बलराम, अब क्या हुआ? अभी भी कोई आरोप लगाना है मुझ पर? माफी मांगनी है आपसे गुरुजी, मैंने अपनी नाकामयाबी का गुस्सा आप पे निकाला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। बलराम, बलराम खड़ो जा, माफ किया। गुरुजी, अगर आज आप मेरे घर पे चाय के लिए आएंगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। आएंगे ना गुरुजी? बहुत अच्छा लगा मेरे कहने पर हमारे घर आए। ये लीजिए चाय। अरे भैया, आप चाय के साथ कचौरी नहीं लाए? हाँ तो बस अभी दो मिनट में लेता हूँ नंदू की दुकान से। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे गुरुजी, इसकी जरूरत है, इसी बहाने से हम थोड़ी देर बातचीत कर लेंगे। घनश्याम भैया आप जाइए, मैं बस अभी। आप मना मत कीजिए गुरुजी, और आइए अंदर बैठ के आराम से बात करें। आइए। फिर मैंने चाय नाश्ता किया और वहां से चला गया। यानी जब तुम बलराम के घर से निकले तब बलराम जिंदा था और उसका बड़ा भाई घनश्याम वही था? जी। ये बात आपने मैं पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि आपने पूछी नहीं। देख शारजा कप जो है ना वो 1999 में नहीं 1998 में हुआ था, और उस साल सचिन ने सेंचुरी मारी थी 143 on 131 balls, समझा? कुछ भी बात करता है यार, तेरे को कुछ। अरे यार पूरी नॉलेज रखा कर, फिर उसके बाद में बात क्या। थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी जी सर। अच्छा एक बात बता, बलराम के मर्डर वाले दिन जब चेतन तेरे घर से गया था तब तेरा भाई बलराम जिंदा था? हाँ सर जिंदा था। तो ये बात तूने मैं पहले क्यों नहीं बताया? जब इस सिलसिले में हमने तुझसे बातचीत की थी, ये तो पता ही होगा ना कि हम इतने दिनों से बलराम के गुरु चेतन को इंटरोगेट कर रहे हैं। सर मुझे इस बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है सर। तो जो भी पता है वो बता, और पूरा बता। सर मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है और मुझे उसके बारे में बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लेकिन हकीकत यह है सर कि भले ही वो पहलवान था लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला था। हमेशा हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों के सर पर मरता था सर। ए, खेल सिखाने का नाटक बंद कर। क्या ये, क्या ये, क्या ये, क्या बदतमीजी है बलराम? सब लोग सुनो, इधर आओ। अपने गुरुजी की असलियत कैसे ये खिलाड़ियों के साथ खेल के नाम पे खिलवाड़ करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मेरा स्टेट चैंपियनशिप में सिलेक्शन करवाएंगे अगर मैं इन्हें 2 लाख रुपए दूं तो, और मैं इन्हें पैसे नहीं दे पाया तो देखो मेरी जगह इन्होंने गुरिंदर का नाम आगे कर दिया। बस बंद कर, मैं सिर्फ कुश्ती सिखाता हूं, सिलेक्शन में मेरा कोई दखल नहीं, समझा? झूठ बोल रहा है। और जब इसके भ्रष्ट होने की शिकायत मैंने एसोसिएशन में की तो इसने मुझे ही झूठे डोपिंग टेस्ट में फंसा दिया और सस्पेंड करवा दिया। गुरु कहलाने बलराम, बलराम बहुत हो गया, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। हिम्मत है तो आओ कर लेते हैं। गुरुजी से बदतमीजी नहीं, पर ज्यादा पहलवानी दिखाने का शौक है ना, तो तेरे जैसे बहुत पहलवान है यहाँ पे। निकल, चल। सर मैंने मैंने अपना भाई खोया सर, और मैं भी चाहता हूँ कि उसके गुनाहगारों को सजा जरूर मिले, लेकिन सर मुझे यकीन है कि चेतन जी बेगुनाह है और मैं किसी बेगुनाह पर आरोप कैसे लगा सकता हूँ सर। जब तुम्हारे भाई पे हमला हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं चेतन जी के साथ ही निकल गया था सर, वो एक दोस्त के यहाँ पार्टी थी तो वहीं पर गया था। ये चेतन तुम्हारे घर पे कब आया था, और जब वो घर से गया तब कितना बजा था? सर वो टाइम तो मुझे याद नहीं है सर वो, लेकिन हाँ सर अंधेरा हो गया था। सर क्या है ना मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है सर। अभी क्रिकेट के बारे में तुझे सब याद था, अभी अचानक से याददाश्त भी चली गई। थाने चल, सब याद आ जाएगा तुझे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। सर एक मिनट रुकिए, मैं मेरे पेपर्स लेके आता हूँ सर। ये देखिए सर,
ये न्यूरोसर्जन ने दवाइयां लिखी सर मेरे लिए। अजीत की जिंदगी का जिस तरह अंत हुआ वो वाकई दुखद था, लेकिन वो क्या वजह थी जिसने अजीत को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया, ये राज अब भी बना हुआ था। कई ऐसे राज थे जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी था। मेरी वजह से अजीत सर ने खुदकुशी की। उस दिन क्या हुआ था गायत्री, बोलो। बोलो गायत्री, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मेरा रेप हुआ था सर। मेरी शादी होने वाली है सर, और इसीलिए अजीत सर ने सोचा कि अगर ये बात सबके सामने आ गई तो मेरी शादी टूट जाएगी। सर मैंने धीरज की वाइफ केतकी की डिटेल्स निकाली। वो जो ड्राइवर आई विटनेस बन के हमारे सामने आया था, सागर। जी सर, सागर। दरअसल वो केतकी का बॉयफ्रेंड है। चेतन कुमार, तुम्हारी बेल मंजूर हो गई है, तुम जा सकते हो। चलता हूं। जय बजरंग बली के। सागर? कौन सागर सर? वही सागर जिसके इश्क में डुबकियां लगा रही थी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज डॉक्टर को बुला देंगे? अब तुम्हारा इलाज डॉक्टर ने, तुम्हारा इलाज हम करेंगे। पूजा, लेके आओ मैडम को। सर मेरा पति एक ठग था, वो पोंजी स्कीम चलाता था। खुद तो चला गया, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे वो सब मेरे पीछे पड़ गए थे। इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट होने का झूठा नाटक किया। तो मैं बेचारी क्या करती सर, मैं अकेली बेसहारा औरत। सब सारे पैसे मांग रहे थे सर मुझसे। अरे पूजा, मैडम को अच्छे से रुलाओ, मदद करो। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ। तो ठीक से जवाब दो। जिस दिन वहां तुम्हारा बॉयफ्रेंड सागर भी मौजूद, क्यों वो तुम दोनों को फॉलो कर रहा था ना? सागर ने भी धीरज की इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसे बस अपने पैसे चाहिए थे, इसलिए वो हमें फॉलो कर रहा था। तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड सागर, इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी था तुम्हारा शौहर धीरज, जिसे तुम दोनों ने बाहर फेंक दी। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने धीरज को नहीं मारा, और सागर से अफेयर भी मैंने धीरज से परेशान होकर के ही किया था। अरे सर, एक मिनट सर, पिछले 18 सालों में गब्बर के खिलाफ हुए सारे केसेस इस फाइल में हैं, और सर उसी पैटर्न के दूसरे केसेस और सारे विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स इन दोनों फाइल्स में हैं। सर क्राइम की मॉडस ऑपरेंडी चेक करते हुए मैंने रियलाइज किया कि एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है। पूरी टीम को बुला और केतकी को वार्निंग देकर छोड़ दो, और उसे कहो शहर छोड़ के कहीं ना जाए। सर पिछले 18 सालों में 200 से 300 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, और इन सारे केसेस की मॉडस ऑपरेंडी गब्बर की मॉडस ऑपरेंडी से मैच होती है। और मैं कम इन सर। यस गायत्री, यू कैन आल्सो जॉइन। थैंक यू सर। वेलकम। और इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है, जहां जहां ये लूट हुई है वहां पे एक आदमी नजर आता है। वो आदमी कभी होता है, कभी होता है, और इनके साथ एक 13-14 साल की बच्ची भी नजर आती है। और आखिरी दो केसेस में जो आदमी नजर आया था उसकी उम्र काफी थी, एक उम्रदराज आदमी था तकरीबन। ये लूट में इन्वॉल्व नहीं होते ये गिरोह? दिल्ली जोधपुर का जो हाईवे है इस 400 किलोमीटर के एरिया में एक्टिव, उस हाईवे के आसपास के 20-21 शहरों के लोगों को ये अपना टारगेट बनाते हैं। आज तक जितनी भी वारदातें हुई हैं वहाँ की लोकल पुलिस ने कुछ स्केचेस भी बनवाए विक्टिम के हेल्प से, लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं जा सका। उसकी वजह यह है कि गिरोह जो है हाईवे के आसपास किसी भी गाँव या शहर में नहीं रहते, ये जंगलों में रहते हैं। जंगलों से आते हैं, लूटपाट मचाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और वापस जंगल में चले जाते हैं। लेकिन सर वो बूढ़ा आदमी
वो काफी कमजोर है, वो जंगलों में नहीं रहता होगा। राइट, वो बूढ़ा आदमी इस केस की कमजोर कड़ी है। ये बूढ़ा आदमी है, हमें इसी को टारगेट करना है, ढूंढना है इसे। लेकिन सर ये तो बैरूपिया है, वेश बदल कर घूमता है, उसको पकड़ेंगे कैसे? एक तरीका है, इस हाईवे के आसपास जितने भी हॉटस्पॉट जितने भी ऐसे एरिए हैं जहाँ पे अगली वारदात होने के चांसेस हैं, वहाँ पे दो दो लोगों की टीम बनाओ, खबरियों को एक्टिव करो और सारे हॉटस्पॉट पर 24 घंटे नजर रखो। एक और बात सर, अभी ने कहा था कि गब्बर की गैंग के किसी एक आदमी के हाथ में उसने टैटू का निशान देखा। राइट, टैटू। वो टैटू कुछ इस तरह का, इस टैटू को गौर से देखो, ये कोई ट्रेडिशनल टैटू लगता है। जंगल और पहाड़ के आसपास जितने भी इस तरह के टैटू बनाने वाले हैं सबसे पूछताछ करो, हो सकते इस गिरोह के कोई क्लू मिले। सो यू गाइस आर रेडी? सर। कहाँ जा रहे हैं? बड़े दिनों से सैर नहीं की। पुलिस टीम हाईवे से जुड़े उन सभी इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए थी जहां लूट को अंजाम दिया गया था, और आखिरकार 15 दिनों के बाद उनको एक सफलता हाथ लगी। सर उस घर में करीब 3-4 लोग होंगे। पुलिस है, अलर्ट हो जाइए। फिक्र मत कर, इतनी आसानी से तुझे मारने नहीं देंगे। अभी तुझे बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। और तू सर, ये देखिए। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। सर हमने बलराम के भाई को बोला था कि हर हफ्ते थाने में आकर हाजिरी लगाए, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से वो आया ही नहीं। मैंने घर जाकर मालूम किया तो पता चला कि घर पर ताला लगा हुआ, लगता है फरार हो गया। वर्मा, इस केस को हमें अलग अलग एंगल से देखना होगा। एक काम करो, सबसे पहले ये पता करो कि बलराम और चेतन के बीच में रिश्ते कैसे थे, और इस घनश्याम का भी तुरंत पता करो, बच के जाना नहीं चाहिए वो। सर सरकारी गवाह बन जाओ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा कम हो, और ये भी कोशिश करूंगा कि गब्बर के ऊपर जो इनाम था वो भी तुम्हें मिले। वैसे बच्ची है कौन? वो गब्बर की बेटी है, उसकी माँ मर चुकी है, और वो घर में मरने वाला गब्बर नहीं बंसी था। तुम्हारा गब्बर से क्या रिश्ता है? मैं सुमित का नाना हूँ, जिसे आप गब्बर के नाम से जानते हैं। सुमित का बाप लुटेरा था, कालिया डाकू, सुमित को भी जेल हुई, नाबालिग था इसलिए उसे सुधार गृह में भेज दिया गया, फिर सुधार गृह से वो भाग करके बाहर निकला और उन 5 गांव वालों को मार गिराया, वहां से वो गब्बर बन गया। ये सुमित और गब्बर कहां मिलेगा? वो ऐसा कितने कत्ल किए कभी गिना नहीं,
होंगे कोई 35-36। तुमने जितने भी लूटपाट की लेकिन आज तक किसी सिविलियन को नहीं मारा, तो फिर धीरज को क्यों मारा? एक आदमी की सुपारी उठाई थी, फिर मेरे लड़कों को मजा आने लगा, बस जो जोश में बेचारा धीरज मारा गया। धीरज की सुपारी मिली थी? नहीं। तो किसकी सुपारी मिली थी? जयपुर के एक बंदे को मारने की सुपारी ली थी गब्बर ने, 11 जून को उसको मारा था। कौन था वो आदमी, किसकी सुपारी ली थी? वो मुझे नहीं मालूम, फोन तो गब्बर को आया था। सर गब्बर के फोन में एक नंबर मिला है, पहलवान नाम से सेव्ड है, 9 जून को कॉल किया गया था इस पे। किसकी सुपारी दी गई थी फिर पता चला? कोई तस्वीर वगैरह भेजी होगी? सर फोटो तो नहीं मिली, हो सकता है गब्बर ने डिलीट कर दी हो। पता करो ये पहलवान है कौन। सर सर निर्माण नगर पुलिस ने पहलवान को अरेस्ट कर लिया है। चेतन पहलवान ने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज कमाई, इज्जत, और वो मेरी इज्जत की धज्जियां जगह जगह पर उड़ा रहा था, अपनी औकात भूल गया था सर। इसलिए तूने गब्बर को सुपारी दी थी? गब्बर होगा आपके लिए, मेरे लिए मेरे बचपन का दोस्त है सुमित। आज तो मुझे हरा के रहूंगा सुमित, मजाक अच्छा कर लेता है चेतन, अब देख। मैंने उससे मदद मांगी। अरे शांत हो जा मेरे पहलवान। मैं सुमित, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, मैं उसका नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। तूने कह दिया तो समझ, हो गया उस पहलवान का। मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ। बलराम के भाई घनश्याम ने बताया कि जब तुम वहां से गए उस वक्त बलराम जिंदा था। क्योंकि मैंने घनश्याम को मुंह बंद रखने के पैसे दिए थे। तू खुद को खिलाड़ी कहता है? एक खिलाड़ी अपना दिमाग, अपना जोश, अपनी ताकत खेल में लगाता है, ना कि दूसरों की जिंदगी से खेलता है। लेकिन उस ने मेरी इज्जत तो। गब्बर उर्फ सुमित इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, पुलिस जल्द उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी। पहलवान चेतन कुमार के मुकदमे का ट्रायल भी जल्द शुरू होने वाला है। बलराम के भाई घनश्याम पर भी झूठी गवाही देने के जुर्म में जुर्माना लगाया गया। इंसान की परवरिश, उसका माहौल, उसकी शख्सियत को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। गब्बर उर्फ सुमित की बदनसीबी यही थी कि वो एक गुनहगार के घर पैदा हुआ, अपराध का माहौल उसे विरासत में मिला था। अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.